एक मकान में आग लग गई। अड़ोसी पड़ोसी जो लोग उस मोहल्ले में रहते थे सभी ने आकर के उस मकान मालिक का सहयोग किया और जितना कुछ बचा सकते थे वो सामान उन्होंने बचा करके बाहर रख दिया। मकान मालिक से सभी लोग कहते हैं कि भैया आप देख लो सारा सामान बाहर आ गया नहीं आ गया। तो लोगों ने निर्णय किया कि भाई अपन एक बार और चल करके देख ले। जब भीतर गए एक कोने में कुछ पड़ा हुआ, आग लगने से मकान मालिक का बालक जल के भस्म हो गया था। उसको लेकर के आए, भाई ये मकान में और सामान बचा हुआ था। तो मालिक सोचता है सारा सामान बचाने का क्या लाभ हुआ। वस्तु स्थिति तो ये है कि जो इस सामान का भावी मालिक था वही नहीं बचा, तो सामान के बचने का क्या फायदा। साधु जन भी यही सोचते हैं, संयम धारण किया है, यदि संयम नहीं बचे तो मरण करने का क्या फायदा। संयम की सुरक्षा करना सबसे बड़ा बात होती है, तो उपसर्ग आदि जो हैं वो संयम को नष्ट करने में कारण बनते हैं। इसलिए साधु जन जो हैं रोग के आने पर भी समतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर लेता है।